हेलो नमस्कार, मैं जो है बारिश में हूँ अभी। देखिए यहाँ बारिश हो रही है और बारिश में ये जो है ये बच्चा यहाँ छल्ली बेच रहा है। छल्ली यानी वो भुट्टा जो होता है जिसको हम लोग स्वीट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग स्वीट कॉर्न इसको खाते हैं, वही स्वीट कॉर्न है। ये बच्चा जो है बेच रहा है पानी में, ना छाता है ना दुकान है। दुकान के नाम पर जो है इनके पास बस ये है छोटा, इसी में है ना सारी छल्ली, बोरी में जो है ये सारी छल्ली है और बारिश हो रही है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है। सोनू, सोनू कब से कर रहे हो ये? एक महीना हो गया। एक महीने? और अच्छा, यहाँ पे कौन कौन रहता है परिवार में? कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? तो मैं और मेरा भाई रहते हैं और लेकिन हमारे रिश्तेदार भी हैं यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, मतलब परिवार में मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा यहाँ नहीं है, तो मैं और मेरा भाई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले जिला बदायूं के। बदायूं के हो? और यहाँ तुम और तुम्हारे भाई केवल दो लोग हैं? अरे यार वाह, काम करने आए हो। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी कुछ ना, खेतीबाड़ी में कुछ खेतीबाड़ी में करवाते हैं तो पैसे मजदूरी कर लेते हैं, मतलब खेतों में। और पापा? पापा वो चाचा उनके सिखाई में रहते हैं, वे सिखा लेते हैं, पैसे करते हैं। अभी भाई की शादी हुई थी तो 1 रुपया खर्च नहीं किया। अच्छा, सब भाई ने और हमने ही खर्च किया। तुमने किया? और कुछ कर्ज भी हो गया था हमारे पास। हाँ हाँ, कमा रहे दोनों भाई। कमा रहे हो दोनों भाई, यहीं रह रहे हैं? अरे वाह यार। तो पापा शराब वराब पीते क्या? शराब नहीं, पापा 2 रुपये किसी को नहीं देंगे, कंजूस है। अच्छा, 3 बीघा तो दो भाई के नाम पर थी अपने दोनों। तो मैं नहीं देखते हैं तुम्हारा परिवार? नहीं देखते नहीं। मतलब मम्मी को, तुम्हारी मम्मी को तो मैं नहीं देखते हैं। मम्मी को मारते थे तो मामा बुला लाए अपना गाँव ननसार के लिए, तो भाई यहीं आ गए नोएडा और मम्मी काम करवाते रहती और खाते हम नानी उनका और काम करते पैसे कमाते वो रखते अपनी जेब में। अरे वाह यार, देखिए बेटा हो तो ऐसा हो, माँ की फिक्र है। पिताजी बहुत अच्छे नहीं हैं, बता रहे हैं कि सपोर्टिव नहीं है, परिवार को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए बेटा हो तो ऐसा हो। और पढ़ते हो यार? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ क्लास में हूँ। फोर्थ में हो? फोर्थ में हो पक्का? टेस्ट ले लें? चलो अच्छा, ये बताओ 12 का पहाड़ा सुनाओ। 24, 12, 36, 12, 64, 45, 12, 72, 74, 85, 96, 97, 98, 100। वाह, ताली नहीं बजा सकता मैं अभी क्योंकि मेरा मोबाइल भीग जाएगा, वरना यार खुश कर दिया तुमने। ये बच्चा है ऑन हाईवे, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा का हाईवे है। यहाँ पे बच्चा जो है छल्ली बेच रहा है, पानी में भीग रहा है। फिर भी दो भाई बहन, दो भाई हैं, दोनों के दोनों यहीं रहते हैं। यार तुम्हें ज़रूरत क्या है अभी? क्या तुम भीग रहे हो? छाते की ज़रूरत है तुम्हें? छाते की ज़रूरत है? इसमें नहीं पानी रुक रहा है। हाँ तुम भीग रहे हो बिल्कुल। ये भी अंकल जी देके गए थे कोई? अरे वाह, वैसे भीगते रहते थे? नहीं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। अरे यार सर्दी लग रही है क्या? अरे यार सर्दी में बच्चा कहाँ पर है यार। चलो आज जो हो गया, दोबारा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम ऐसा करो, मैं देखो, मुझे अपना बड़ा भाई समझो, मुझे पता है तुम मेहनत। अच्छा, नाम तुम्हारा क्या बताया? मेरा नाम सोनू। देखो भाई सोनू है ये, सोनू ही नाम था शायद। नहीं, ये सोनू है। हम लोग तमाम चीज़ें शेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मेहनती बच्चा है, सर्दी में कांप रहा है लेकिन फिर भी अपना लगा हुआ। मुझे भी कपकपी सी दौड़ रही है क्योंकि मैं भी दूर से आ रहा हूँ। यार तुम्हें छाते की ज़रूरत है ना, पढ़ाई करते हो? मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा। मोबाइल है भैया के पास? मोबाइल है। मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा, मुझे फ़ोन करना। और फिलहाल तुम ये पकड़ो, तो कुछ पैसे हैं, इससे तुम छाता ले लेना। ये रख लो, बड़ा भाई हूँ यार, बड़े भाई के नाते दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा, ठीक है? तुम मेहनती हो इसलिए काम कर रहे हो। यार मुझे भी सर्दी लग रही है। देखिए जी, ऐसे मेहनती बच्चों का हमें साथ देना चाहिए। पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, माँ का सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, अकेले रहते हैं। माँ के लिए तो वो इतना पीटते, चाचा और वो बाप भी दोनों ये पीटते। माँ को मारते हैं? मैं और मेरा भाई छोटे थे, जब यहाँ आए तो माँ को कोई टेंशन नहीं है। माँ तो खाली वहाँ रह रही है और कर रही है अपना, खा रही है। अब अलग मकान भी बना लिया, माँ हमने जगह दे दी अपने खेत पे, तो वही
अरे यार जिसके ऐसे बेटे हो ना उस माँ को कोई परेशानी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे साथ। अभी माँ के लिए तबीयत खराब हुई तो भाई पहुँच गया था बड़ा मेरा। पहुँच गए थे तुम यहाँ फिर अकेले रह गए होगे? अच्छा अकेले रह लेते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी यार? 13 साल के हो और अकेले रह लेते हो? वाह गजब है भाई, गजब है गजब है। ये कौन है? रोहित शाह कह रहे हैं इस बच्चे को मेरी तरफ से 100 रुपये की हेल्प कर दो, पेटीएम कर देता हूँ सनी। सर मैंने हेल्प ऑलरेडी कर दी है। आप कह रहे हैं तो आपके हिस्से की मदद भी मैं भी तुरंत कर देता हूँ। वैसे तो आप जो लोग भी मदद जो भी करते हैं, आप कह रहे थे 100 की, मैं 100 रुपये नहीं इनको आपकी तरफ से ये हेल्प कर रहा हूँ। और रखो ठीक है जी, मैंने इस बच्चे की हेल्प तो कर ही दी है और केवल इतनी हेल्प से काम नहीं चलेगा। केवल छाता ले आओगे बेटा? छाता 100% ले आना। और भी कोई ज़रूरत हो तो बताना, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बता देना तुम, ठीक है? तुम यार पढ़ो, तुम काम मत करो, बड़े भाई को काम करने दो, तुम पढ़ो मैं देख लूँगा, ठीक है? देखिए जी ऐसे सोनू, इस बच्चे का नाम सोनू है, ऐसे सोनू बहुत सारे हैं। एक सोनू ये भी है, बारिश में कांप रहा है। ऐसे बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए, ये बच्चे डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा। यहाँ सड़क पर भीगना डिजर्व नहीं करते हैं, ये बचपन है, ये भविष्य भी हमारे ये अपने परिवार का भविष्य, हमारे देश का भी भविष्य है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा और वो हम इनको देंगे ज़रूर। रोहित शाह कह रहे थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद है, मेरा क्या, मैं तो एक माध्यम हूँ भाई और कुछ नहीं। मजबूरी अफरोज बेगम, मजबूरी क्या नहीं करती, बिल्कुल मजबूरी बहुत कुछ करा देती है, बचपन छीन लेती है लोगों का, जो सामने है बिल्कुल प्रत्यक्षदर्श है, सामने सब कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, ऐसे बच्चों का सपोर्ट कीजिए भाई, ऐसे बच्चों को हम लोग को हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप हमारे माध्यम से करें, आप खुद भी जहाँ भी ऐसा कोई दिखे, ऐसा कोई बच्चा देखे उसको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि वो अपनी उम्र के हिसाब से इसको पढ़ाई करनी चाहिए तो ये पढ़ाई ही करे, इस तरह काम ना करे बेचारा। बस मैं निशब्द हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से बारिश में यहाँ कांप रहा है। मैं भी कांप रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से शायद बारिश हो रही है ना सोनू? हाँ सोनू यार मेरी दुआएं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखते हैं शायद तुम सोनू सूद बन जाओ, ठीक है? जानते हो सोनू सूद? नहीं जानते हो? अरे यार फिल्म एक्टर है वो, फिल्म बनाते हैं, ठीक है? हीरो है, ठीक है? ठीक है सोनू, आएंगे यार, हाथ मिलाओ, ठीक, फिर आएंगे मिलने। और कोई परेशानी हो बताना, पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, मिलेंगे दोबारा।